यस दिव्यांशी। यस सर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यांशी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबाण ऑनलाइन ट्रिप टू क्लासेस B6। टुडेज आवर टीचर्स एंड आवर पेरेंट्स हु इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ना, आई नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट, बाय हुम वी इन्फ्लुएंस मोर। मोर। ओके सर। आई थिंक आई इन्फ्लुएंस विथ माई पेरेंट्स मोर आई बिकॉज एम इन्फ्लुएंस्ड, वैसे वर्ड फॉर्म में जाएगा। ओके सर, आई एम इन्फ्लुएंस्ड विथ माई पेरेंट्स मोर बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज टीच मी राइट थिंग्स। दे ऑलवेज गिव मी विच आई डिमांड। व्हाट आई डिमांड, व्हाट आई डिमांड, विच की जगह व्हाट यूज करेंगे यहाँ पर। यस सर, व्हाट आई डिमांड हाँ, दे ऑलवेज हेल्प मी। दे नेवर सर डांटने को क्या कहते हैं? रिब्यूक इज कॉल्ड, दे नेवर रिब्यूक मी। दे गिव मी गुड एडवाइसेस। एडवाइसेस, प्लूरल एडवाइसेस अनकाउंटेबल होता है। सॉरी गुड सर। एडवाइस, गुड एडवाइस, हाँ, दे ऑलवेज गिव मी गुड एडवाइस एडवाइस, एडवाइस एडवाइस वर्क हो जाएगा। हाँ, एडवाइस दे ऑलवेज हेल्प इन मी इन माई स्टडी। दे वांट दैट आई विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर एंड आई विल ऑल्सो फुलफिल देयर ड्रीम्स फिर बिकॉज आई आई विल रेस्पेक्ट। अचीव। कोई बात ओके नहीं, सर। बोलो। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है ना, कुछ वर्क के साथ कुछ चीजें आती हैं, कुछ के साथ नहीं आती। कोई बात नहीं, बोलो आप। बिकॉज आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट इन माई वेरी इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। माई टीचर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ बट माई पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई टीचर्स। वेरी दैट्स इट सर। थैंक यू। गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की तुमने। बस कोशिश ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। अपने को यहाँ पर ऐसा, अपने केवल बोलने की प्रैक्टिस करनी है बस। कोई भी टॉपिक मिल जाए तो आप बोल सके, सोच सके, ये वाली बात है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस स्पर्श, यस और सर। हेलो, गुड कैसे इवनिंग हो? एवरीवन। माय नेम इज स्पर्श गुप्ता एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबाण इंग्लिश ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस। टुडेज माय टॉपिक इज हु इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन मोस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ। पेरेंट्स केयर फॉर देम। आई ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय माई पेरेंट्स बिकॉज आई दे एम केयर। ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। बेटा ध्यान रखो, थोड़ा वर्ब का, वर्ब फॉर्म का बहुत ध्यान रखा करो आप। हाँ, वो एक्टिंग में बन जाएगा फिर, वो इसका मतलब हो जाएगा मैं प्रभावित करता हूँ उनको। ओके, कोई बात नहीं है, बोलो आप। हाँ, बिकॉज आई लव माई पेरेंट्स मोस्ट, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। दे ऑलवेज गिव मी ए होली स्ट्रेंथ टू फाइट विथ एवरीथिंग। दे गिव मी एवरीथिंग वट आई डिमांड। दे गिव मी एजुकेशन, दे गिव मी एजुकेशन विच इज वेरी इम्पोर्टेंट, बाई विच आई विल बी बिकम अ गुड बी पर्सन इन माई बिकम का फ्यूचर। क्या मतलब हो गया? बी बिकम दो दो क्यों लगा रहे हो? हाँ आई विल बिकम अ गुड पर्सन इन माई फ्यूचर। हाँ दे टेक केयर ऑफ मी वेन आई वॉज इल। स्पेशली आई लव माई पेरेंट्स मोस्ट। पेरेंट्स भाई, आई लव माई पेरेंट्स। मैंने इससे पहले क्या बोला था? इससे पहले ध्यान, व्हेन आई इन क्या बोला था? वेन वेन आई बिकम इल, मतलब जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ। व्हेन आई एम इल। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो। कंटिन्यू करो। दे टेक टेंशन फॉर मी बिकॉज दे लव मी, दैट्स हाँ वाई आई लव माई पेरेंट्स।
टीचर अकॉर्डिंग टू मी टीचर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट आई थिंक पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव विद पेरेंट्स देन आवर टीचर दैट्स इट थैंक यू वेरी गुड बहुत अच्छा शाबाश बहुत अच्छी कोशिश की तुमने वेरी गुड बहुत बढ़िया यस कम ऑन स्नेहा स्नेहा हेलो हेलो माय नेम इज स्नेहा एंड टुडेस टॉपिक इज हु इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन पेरेंट्स और टीचर अकॉर्डिंग टू मी एज अ चाइल्ड बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन द चिल्ड्रन लाइफ बिकॉज बट अ चाइल्ड आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय माय चिल्ड्रन पेरेंट्स because they always support me in my completing my dreams they always support me in education I think I am very influenced by my parents because I spent so much time with my parents but I think teachers are also very important in our children life they support us they help to made they help them to made his पड़ेगा आपको बेटा डिबेट में है ना एक चीज को पकड़ना पड़ेगा सर पेरेंट्स ही पकड़ूं पहले फिर जो भी एक ही पकड़ना है बस आपको यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली वन डिबेट का मतलब ये होता है एक ही पॉइंट को पकड़ना है आपको उसी के फेवर में आपको यू हैव टू डिलीवर योर लॉजिक्स इन द फेवर ऑफ दैट पॉइंट ओके सर दैट यू हैव टू डू इन चिल्ड्रन लाइफ द पेरेंट्स टेक केयर देयर चाइल्ड एंड सर उसे छोटे से लेके बड़े तक उसके पूरा ध्यान रखते हैं दे टेक केयर हिम फ्रॉम यंगर चाइल्डहुड फ्रॉम हिज इन्फेंसी From his infancy to his young age. Young age, ठीक है. They do many sacrifice for made his career. They always support him. They always. But in sometimes in any mistake of child they punish the child for making him better for his bright future that's it very good ab aap ek kaam karo aap B10 join karo hai na theek hai थोड़ा सा टाइम निकालो और B10 करो शाम को सात बजे ठीक है सर इससे कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी तो आप मेरे को एक मैसेज डाल देना मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज ऐड मी इन B10 बस मैं आपको ऐड करूंगा ठीक है फ्लुएंसी जरूरी है आपको आप ठीक है आपका कुछ दिनों में फ्लुएंसी आ जाएगी ठीक हो जाएगा ओके आई हैव गॉट नो नेम बाय नाउ Come on, Jyoti. Jyoti. Okay. Jyoti nahi aa rahi. Haan, bolo. Aapka sahi nahi hai kya system? Awaaz nahi aa rahi aapki. Awaaz kyun nahi aa rahi ab aapki? Ab isko hatao, earphone ko hata ke bolo. Haan, hatao isko earphone ko. हेलो सर आ गई ना आवाज यस सर योर ईयरफोन इज नॉट ओके ओके सर गिव दैट अवे यस कम ऑन स्टार्ट स्पीकिंग हेलो एवरीवन माय नेम इज ज्योति नरवाल एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबन ऑनलाइन इंटरव्यू क्लासेस टुडे आई एम टेलिंग अबाउट हु इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन लाइक पेरेंट्स और टीचर हु इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन मोर Who influence children more, parents and teacher? And नहीं और दोनों में से एक को लेना है ना आपको? Yes sir. Yes sir. Parent or teacher? I think parents influence more to children because
because from the starting of the birth, child doesn't know anything, and but parents teach to children like speaking and walking. They teach first letter like mother and second letter father. Parents influence much to children because parents are those person who never think themselves. They sacrifice. Never think about themselves. About themselves. Okay, sir. They sacrifice. Use करोगे ना जब भी तो जुड़ेंगे ना आगे की चीजें आगे बोलो. Yes, sir. They sacrifice their all desire for the happiness of their children. I see many times those children. I seen क्या होता है? Third form ऐसे थोड़ी use होता है without any. No, sir. I see. Okay, ठीक है. I see many times those children don't have parents. They cannot go to school. ऐसे they नहीं. Can. चलो बोलो आप बोलो ठीक है. I see many times the children who इस तरीके से बनाओ उस clause को आप. Okay. Who do not have parents. Who do not have parents. They cannot go to school and they cannot live happily and and every parents look and. Those children are very sad, and those parent and those children have parents who सुनो and the children अब भूल गए क्या इस तरीके से बनाना sentence को complex sentence and the children who नहीं समझे yes sir अरे आप भूल गए अभी बना रहे थे आप हाँ and the children who has parents who have तो आएगा Yes, sir. Who live very happily and parents looks after their children. If their children don't come at home on the time, they worried and they call again and again to him and. And parents' role is very important in children's life because they teach many things in our life. And it is also called that parents is our first teacher. That's it. Parents are ना भाई इसके लिए yes sir yes sir parents are इसके बाद क्या कर रहे हो हाँ yes sir that's it नहीं ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो आप थोड़ा सा फोकस करो आप ना कंसंट्रेशन आपका लूज हो जाता है यस सर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है चलिए कोई बात नहीं निशा ठीक है बहुत अच्छे कोशिश की तुमने नो डाउट सुनना जरा एक बार और देखना क्या गलती है मैंने क्या बताया आज आपको नोट कर लेना निशा यस सर यस कम ऑन हेलो एवरीवन माय नेम निशा I am a student of Raman online interactive classes from BH. Today I am going to tell you about who is influence to children's life. Huh? Who more influence children? Okay sir. Children's life नहीं कर सकती? ऐसे कैसे बोल दो आपने तो आपके कहने का मतलब तो ये हो गया कि बच्चे किसको बच्चों से कौन प्रभावित होता है? दोबारा बोलो आप. Who is more influence to children? To children क्यों आएगा? Okay, और children. Who is more influence to children का मतलब क्या हो गया? Sorry, आप active बना रहे हो, passive बना रहे हो, क्या बना रहे हो? Thought को clear करो अपने mind के अंदर आप. Thought clear है आपके mind में? Sir, थोड़ा hesitate हो रहा है. Hesitate क्यों हो रहा है? इतना बाद में तो बुलवा रहे हैं हम आपसे. आपका फोकस नहीं है यार ध्यान नहीं है आपका मैं तो बार बार कह रहा हूँ ध्यान नहीं होगा तो आप कुछ हिंदी भी नहीं बोल सकते आप ये तो बहुत अलग बात है जी ध्यान दो आप थोड़ा सा चीज के ऊपर ठीक है ना यस सर बस बात इतनी सी है अब रुको मैं आपका वेट करूँ हाँ सर थोड़ा टाइम ओके जहां मैं ले जाना चाहता हूँ आप एकदम से अपने कदम पीछे लेके चले जाते हो हर्षित फास्ट कोई बात नहीं अर्शित फास्ट यस सर कैमरा चालू करिए अपना यस सर जल्दी क्या करो इतना टाइम मत लगाया करो आप एक तो है ना नाम के साथ ही तैयार हो जाया करो करते क्या रहते हो आप मुझे समझ में नहीं आता है
चालू करो फटाफट से। सर ऑन कर दिया मैंने। बोलो ना चालू करो ना बेटा, ऑन कर दिया तो। सर बंद करके तो बैठे रहते हो आप तो। चिल्ड्रन मोर इन्फ्लुएंस्ड पेरेंट्स और टीचर्स। आई थिंक चिल्ड्रन चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड टू देयर इन्फ्लुएंस्ड नहीं इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड क्या कर रहे थे हम, आपने सुना भी नहीं उसको ढंग से। चिल्ड्रन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड। यस सर। I think children are more influenced. Influenced, सुन ले रे, influence. Influenced. हाँ. To their parents. Like their parents. Yes sir. हाँ. Because parents look after their children. हाँ ठीक है. They मोटिवेट देयर चिल्ड्रन। हाँ ठीक है। पेरेंट्स व्हेन वी आर, सर छोटे को क्या बोलते हैं? व्हेन वी आर यंगर वी डोंट नो एनीथिंग। आवर व्हेन आवर पेरेंट्स टीच अस। हाँ हाँ बोलो। Our parents fulfill our all the needs. बोलो बोलो बोलते रहो फ्लो लाओ थोड़ा सा फोकस करो आप ध्यान इधर से मत लेके जाया करो आप बोलो। When we come late to school, our from school. Yes sir, from school. When our children, our parents school us. है? When our parents call us. When तो पहले लगा दिया ना अपना, आप दोबारा बार बार हर क्लोज में when लगाओगे क्या? No sir. आजकल तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है बेटा, मुझे आजकल तुम्हारा ध्यान पतंगों में ज्यादा है। नहीं सर। नहीं नहीं आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है आजकल, बहुत पुअर, सो पुअर। आई एम सॉरी टू से यू। बोलो आगे बोलो आप। Yes sir, they motivate us. बोलते रहो, इतने क्या देर लगाते हो बोलने? Our parents are our first teacher. बोलते रहो. They teaches us about the whole world. हाँ. Work form पे ध्यान रखो. They teaches us that how to live in society. That's it, sir. Okay, very good. बेटा ध्यान दो, आजकल आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। आप जितना अच्छा कर सकते हो ना आप कर नहीं रहे हो उतना अच्छा, ध्यान कहीं और रहता है आपका आजकल। ध्यान दो आप थोड़ा सा। यस रक्षित आओ। Yes, sir. Hello, hello everyone. My name is Rakshit Mohar. I am the student of Ramban English Online Interactive Classes from Batch 10. Today, I am telling about who children influence more, parents and teachers. I think all children influence with his parents. I am influence with my parents because parents are my first teacher and they teaches me right. Teachers kyun aayega, teach hi to aayega, kya kar rahe ho aap aise? They teach me right and they give all things and they give advice and they help always. Bolo bolo. And sometimes I ill and my parents look after me and I am ill. I am ill. Ill.
and my parents look after me and they give food many things. They give good advice like how to behave in to others, how to behave to others with others etc. And our parents is most important, are most important for our life. Their parents could go anywhere, so some children cry. So that's it. Okay, very good. बहुत अच्छी कोशिश करते हो, थोड़ा ध्यान से और ध्यान से करोगे, वर्क फॉर्म पे ध्यान दिया करो आप, है ना? और ध्यान से करोगे तो और अच्छा होगा. कोशिश करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा. Yes sir. क्या? इच्छा? Yes sir. Hello everyone. My name is Icha Singh and I am the student of and I am the student of class 10th from batch B10. Today I am telling who children's more influence, parents or teachers. I think children's are क्या सर? बेटा सीधा सीधा सा सेंटेंस बनता है, हु इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन मोर. ओके, अब थोड़ा ध्यान दो चीजों के ऊपर, है ना? सेंटेंस फ्रेमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो आप. उस रटने की आदत को दिमाग से निकाल दो आप. जो रटा हुआ बोलने की कोशिश आपने कभी करते थे ना किसी जमाने में, उसको निकाल लो आप. आगे बोलो आप. आई थिंक चिल्ड्रन आर वेरी इम्पोर्टेंट इतने लोगों को सुन लिया क्या? रटने की कोशिश कर रहे थे क्या इतनी देर से? बोलो फटाफट से आप. आई थिंक चिल्ड्रन are influenced by their parents. Influenced. सुनो ध्यान से. Influenced. क्या दिक्कत आ रही है बोलने में? थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, या उसको इग्नोर करोगे या अवॉइड करोगे उसको? कहां तक पहुंच पाओगे लाइफ में? सीबीआई भटक तक भी नहीं पहुंच पाओगे. आगे बोलो. So I influenced in my parents. By my parents. I am influenced by my parents. Simple सा sentence है बस. आपने उसको hard मान लिया आपने दिमाग के अंदर. Problem ये हो रही है. आगे बोलो आप. Because my parents always teaches me good things. मतलब और वो मुझे हिम्मत योग्य बनाते हैं. क्या मतलब हुआ हिम्मत योग्य का? बहादुर बनाते हैं. तो ब्रेव यूज करो ना आप. ऐसे तगड़े तगड़े शब्द कहां से निकाल के लाते हो आप? जिनको हिंदी में हिंदी तो ले आया, इंग्लिश ढूंढना मुश्किल है. सिंपल वर्ड काम में लो आप. बोलो आगे. बोलो आप. आओगे उस लेवल पे लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना? बोलो. एंड ही मेक मी ब्रेव. ही का मतलब किसके लिए बोल रहे हो ही आप? सॉरी सर, दे माय पेरेंट्स मेक मी. थोड़ा सा ध्यान दो ना. ब्रेव क्या कर रहे हो बेटा? दे ऑलवेज हेल्प्स मी इन माय स्टडी and sometime
ही इज कॉल्ड मी बट हो गया, आगे बोलो ना क्या हो गया। कोई बात नहीं, आगे वाला सेंटेंस बोल दो, आगे वाला थॉट ले आओ। सर आज नहीं बोल पा रहे, क्या हो गया आज? पता नहीं थॉट्स ही नहीं आ रहे। सब आ रहे हैं, इतने लोगों को सुन लिया आपने, और इंडायरेक्टली लास्ट संडे को भी, लास्ट सैटरडे को भी यही टॉपिक था। इतने लोगों को आपने सुना ना बैठ करके भी यहाँ पर, इतने सारे लोगों ने बोल लिया फिर भी थॉट्स नहीं आ रहे, इतना सुनने के बाद भी माइंड एक्टिव नहीं हो रहा आपका, ठंड लग गई दिमाग को है? बहुत बढ़िया। ओके पिंकी। यस सर। जयंद ऑल ऑफ यू, माय नेम इज पिंकी ओलिया, आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबाण ऑनलाइन टर्टी क्लासेस। टुडे आई एम टेलिंग हु चिल्ड्रन मोर इन्फ्लुएंस। अरे इन्फ्लुएंस, 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 इन्फ्लुएंस। आगे बोलो आप, छोड़ दो सेंटेंस। I think first teacher is parents. Parents teach to us. They help always to us. They give good knowledge to us. They care to us. And they complete full needs and our needs. घबराओ मत, भगो मत। यस सर। थोड़ी गहरी गहरी सांस लो, दो चार, मन को शांत रखो, हड़बड़ाओ मत। यस सर। घबराहट को खत्म करो, ऐसी कैसी घबराहट है जो खत्म ही नहीं हो रही तुम्हारी। बोलो आगे बोलो। यस सर। Parents is very important role in our life. That's it. अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। दो तीन सेंटेंस में दैट्स इट हो गया, मतलब ये भी नहीं बता सकते हम कि पेरेंट्स किस तरीके से हमें, हमारे हमें प्रभावित करते हैं इतने सारे लोगों से सुनने के बाद भी। हुआ क्या वैसे, हुआ क्या, चक्कर आ गए? नो, तो घबराहट हो गई, दिमाग नहीं चल रहा, थॉट्स नहीं आ रहे इतने लोगों को सुनने के बाद भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट सैटरडे को भी ये टॉपिक था, हमें जानबूझ करके टॉपिक दिया है। चलो जी ठीक है, दुनिया तो जैसे चलनी है वैसी चलेगी। ओके क्या कर सकते हैं। यामिनी। यस सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशस्वी साहू, आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबाण इंग्लिश इंटरैक्टिव क्लासेस from batch B10. Today I am telling about who more influence the children's life. Parents or teachers. So this time our क्या चल रहा था वो this this time I choose teachers because the parents thought our child do hard work. तो thought नहीं आएगा, think आएगा, present में तो आएगा। Yes sir. But the teachers thought all the child चिल्ड्रंस डू
not hard work. The teachers made a educational man in body, and teacher they do not teach only for gave only for knowledge. He gave discipline and manners from us. Sorry, sir. अरे सेंटेंस की खिचड़ी बना दी आपने, पता ही नहीं चल रहा दे है ही है क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। दे डू नॉट बोल रहे हो, मैं तो ये क्लियर नहीं हुआ, पेरेंट्स को ले रखा है आपने टीचर्स को ले रखा है? टीचर्स को सर। आप कहाँ क्लियर ही नहीं हो रहे आपके थॉट्स ही। ओके सर, दे डू नॉट गिव ओनली फॉर एजुकेशन ही। फोर क्यों लगा रहे हो, फोर क्यों लगा रहे हो, कुछ भी जो आ गया तो मुंह में लगा दिया। बोलो बोलो आप बोलो, सुन लेना आप खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग बोलो। yes, sir. आपका माइंड ही स्थिर नहीं है अभी, पता नहीं थॉट कहाँ जा रहे हैं आपके, क्या पतंगों में जा रहा है क्या दिमाग? मुझे पतंग उड़ाती है कुछ, कहीं तो तुम्हारा दिमाग जा रहा है ना, सेंटेंस ढंग से बना पा रहे हो ना वर्ड्स प्रॉपरली आ रहे हैं, कुछ का कुछ डाल रहे हो, बोलो फटाफट से। मैं थोड़ी देर बाद बोलू, थोड़ी देर बाद नहीं गया आपका नंबर, ओवर। थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, लास्ट चल रहे हो आप तो हमारे पास, थोड़ी देर बाद क्या होता है? Okay, sir. Okay. Teachers gave all the game. क्या है ये? Teachers give all the education. Teachers gave all the discipline. Teachers discipline देते नहीं है बेटा, teachers सिखाते हैं हमारे को। Teachers कहाँ से discipline देंगे आपको, आप सोचो तो सही बेटा। Teachers teach. Teachers teach discipline, teachers teach the manners, teachers teach always from us. Thank you, sir. That's it. So sad. So poor performance. Mind को जब तक आप concentrate नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। अभी आपकी बहन ने देखो कितना अच्छा बोला, पहला first speaker थी वो। माइंड को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं हम थॉट्स को सेंटेंसेस में, कभी गेम कभी गेम, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट द टेंस दैट व्हिच टेंस शुड बी यूज्ड देयर। कभी कभी तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी होती है, क्यों होती है, आपका माइंड इधर उधर भटक रहा होता है। चलिए कोई बात नहीं, श्री। हेलो एवरीवन, टुडे इज माय टॉपिक इज हु इज इन्फ्लुएंस अस मोस्ट। Teachers and parents both are important in our life, but our mother is first teacher in our life. She teaches us how to speak, eat, walking, etc. The parents are so parents fulfills our requirements. They teach us. He is the youngest student. इस पूरे बैच में अभी तक की सबसे youngest student है ये मेरी लाइफ की भी। और she is from Hindi medium. सारे के सारे सुने जो मैं कह रहा हूँ आपसे। She is only in fifth class. अब बेटा बोलो। When we seek our parents, बेटा वर्ड तो लगाओगे ना आप, सिख कोई वर्ड थोड़ी होता है, फटाफट से पकड़ के आगे बढ़ा करो आप। हाँ, they gives us medicines, they they gives us medicines, so they कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना बेटा, बोलो बोलो बोलते रहो।
they are very important. When we do some mistake, our parents rebuke us. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बोलो, ऐसे बना के बोले जाते हैं सेंटेंस से, छोटे 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 से। आप हिंदी में ही उलझ जाते हो अपने थॉट्स में। बोलो, Children feel so much sad, but our parents rebuke us for सर हटाने को, सर हटाने को, क्या हटाना, मतलब हमारी गलतियों को, to make us correct in a present time, most of the teachers are only for money. If parents don't give the money to the teachers, fulfill his duty for the teacher. बहुत बढ़िया, very good. For his student. So I think parents are very important than teachers. That's it, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश. Thank you, sir. बेटा practice है ना, class को छोड़ना नहीं बेटा, बस जब तक मैं नहीं कहूँगा ना. तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बेटा मेरे ऊपर, मैंने उसको पूरा कर दिया, बस ये समझ लिया तू, मैं आई एम हैप्पी। हाँ भैया, अब कोई और मेरे पास से तो सब आ गए जिनका था मेरे पास में B8 और B10 वाले और B11 में से कोई भी अगर आप कुछ बोलना चाहता है, इज देयर एनीवन, बताइए आप। सर कैन आई स्पीक? हाँ बोल निशा, निशा रह गई थी, बोल निशा। Okay, sir. Hello, everyone. My name is Nisha. I am a student of Ramban Online Interactive Classes from B8. Today, I am going to tell you about who influences children more. First of all, I am telling you that I am going to tell on this topic in short way. So, I will try better, do better. I think that children are more influenced by their parents and teachers equally. Because they are very important in children's life. Now I'm going to tell you about parents. They are very important in children's life because they fulfill their needs and they tell them good advice for their future. They always try to do better them. Sometimes they punish you. Their children for their profit, because they want that their children will become a good person in their life. Now I am going to tell you about teachers. They are second teacher in children's life. They always care and help them like parents and friends. They always give good advice for them, by which all children can do anything on a right way. They always give not only knowledge of book, but advice of a good life. They always give not only knowledge of book, but also advice of a good life. For a good life. They always punished them, but their mistake, by which they can solve their problem and they can get good success in their life. That's it. That's it. Okay, very good. हाँ भैया, कोई और है क्या, बताओ।
कोई और है? मैं बंद करूंगा ना फिर रिकॉर्डिंग, है ना? B11 में से कोई? ओके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. थैंक यू वेरी मच सर.